लो प्यारे बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे पीछे के क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, द सम्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। कहता है कि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, उनकी एन टर्म्स का सम्स का रेशियो ये दे रखा है। सपोज करो एक एपी जो है उसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, और दूसरी जो एपी है उसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। इन दोनों एपीज की एन टर्म्स का सम्स का रेशियो ये दे रखा है, मतलब कि इसका एस एन अपोन में इसका एस एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5n प्लस में 4 अपोन में 9n प्लस 6 दे रखा है। यार ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। और आपको फाइंड क्या करना है, रेशियोज ऑफ देयर 18th टर्म्स का रेशियो आपको फाइंड करना है, मतलब कि इसकी 18th टर्म क्या बनेगी, a प्लस में 18 माइनस 1 इंटू डी बनेगी, और इसकी 18th टर्म क्या बनेगी, a प्लस में 18 माइनस 1 इंटू डी बनेगी। ये आपको यार बताना है, ये आपको बताना है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख देता हूं, देखो a प्लस में 17d अपॉन में a प्लस में 17d, ये आपको बताना है, ये बताना है। तो यार मैं इसका यूज करके ये बनाने वाला हूं, आप ध्यान से देखेंगे मैं कैसे बना दूंगा ना, ये रेशियो फाइंड कर दूंगा इसका यूज करके, देखना कैसे, देखना। तो SN का फॉर्मूला, अगर फर्स्ट टर्म कैपिटल A है और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D है, तो इस SN का फॉर्मूला क्या होगा यार, N by 2, 2A प्लस में N minus 1 into D होगा। और नीचे इस वाले SN का फॉर्मूला क्या होगा, इनसे N by 2, 2A प्लस में N minus 1 into D होगा, ये होगा। इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 5n प्लस में 4 अपॉन में 9n प्लस में 6 चल रहा है। ठीक है भाई, n by 2 से n by 2 कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकता हूं। अब मैं ऐसा बनाने वाला हूं ना, इसको ऐसा बनाने वाला हूं। तो देखो मैं क्या करूंगा, आप देखना, ये तो अपने को फाइन करना है, अलग बॉक्स में बना देता हूं। पुट करना है यार अपने को n इज इक्वल टू यहां पर 35 पुट करना, आपको खुद पता चल जाएगा क्यों किया है 35, क्या कारण है ना। तो 35 एन की जगह पुट करना है, हर एक जगह होगा पुट। तो यहां पे 2a प्लस में 35 माइनस 1 34 हो जाएगा इनटू में डी, और नीचे यार 2a प्लस में 34d बन जाएगा स्मॉल डी, और उधर क्या बन जाएगा 5 इंटू में 35 है ना, 35 प्लस में 4, और नीचे 9 इंटू में 35 प्लस में 6, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखना ये 35 पुट करने का अपने को क्या फायदा मिलेगा। यार यहां से अगर 2 कॉमन ले हूं, यहां से 2 कॉमन ले हूं, तो आप क्या लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं ना, इसके बाद ये स्टेप है बेटा, स्टेप है, ये था फिर ये था, अब यहां लिख रहा हूं, 2 यहां से कॉमन लो, 2 यहां से कॉमन लो, 2 ऊपर से कॉमन ले आओगे तो क्या बचेगा अंदर, a प्लस में 17d बचेगा, और नीचे से यार 2 कॉमन ले आओगे तो a प्लस में 17d बचेगा, उधर कुछ कॉमन ले लिया, उधर मल्टीप्लाई कर लो, 35 के 5 से 5 के 5 से 25, 5 और भाई ये आपका 5 से 15 और 2 17 प्लस में 4, नीचे इसकी करते हैं 35 की 9 से करते हैं, मैं यहां कर लेता हूं 35 की 9 से और 5 4 27 और 4 31 315 प्लस में 6। ठीक है, यस, 2 से 2 हुआ कैंसिल। अब यार 2 कॉमन लेने का देखो क्या फायदा हो, ये चीज बन के आ चुकी, जो हम फाइंड करना चाहते थे वो चीज हम बना चुके। आपको पता चला होगा 35 पुट करने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि यहां पे अगर मैं 35 पुट करता हूं, यहां पे 35 पुट करता हूं तो 34 बनता है एक घट घट के, और फिर दो कॉमन लेने पे कुछ ऐसा 17 बनता है जो अपने बहुत काम आने वाला है, और काम आ भी गया। देखो अब ये बन गया, उधर थोड़ा सा सोल्व करते ही यही चीज हमें फाइंड करनी थी जो आ जाएगी, a प्लस में
ए प्लस में 17d अपॉन में ए प्लस में 17d इज इक्वल टू 175 और 4 179 और नीचे भाई 321। तो यार ये आपके सामने है 18th टर्म्स का रेशो, 18th टर्म्स का रेशो आपके सामने, जो फाइंड करना था वो आपके सामने। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। कहता है कि कोई एपी है उसमें पी टर्म्स का सम, फर्स्ट पी टर्म्स का सम किसके इक्वल दे रखा है, फर्स्ट क्यू टर्म के सम के इक्वल ये दे रखा है, और आपको बताना क्या है उसकी पी प्लस क्यू टर्म्स का सम बताना है, ये बताना है एस पी प्लस क्यू बताना है। बता देंगे यार एपी की फर्स्ट टर्म में ए मान रहा हूं और कॉमन डिफरेंस डी मान रहा हूं, मान सकता हूं, तो उससे मैं इस एस पी को क्या लिख सकता हूं, पी बाई टू 2a प्लस में p माइनस 1 इंटू डी, यस। और s क्यू को क्या लिख सकता हूं, क्यू बाई 2 इंटू में 2a प्लस में क्यू माइनस 1 इंटू डी, यस। कुछ भी नहीं, sn वाला फॉर्मूला चेपा है बस डायरेक्ट। अब देखो मैं ये फाइंड करना चाहता हूं, ये कुछ गिवन था, तो यार गिवन क्यों होता है, क्योंकि उसका यूज करके कोई चीज फाइंड की जाती है, सीधी सीधी बात है। तो इसका यूज करके, इस चीज का यूज करके कि ये चीज फाइंड की जाएगी, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, कुछ मिलता है तो उसमें यूज करेंगे, ठीक है, यस। टू से टू कैंसिल। अब मैं एक काम करूंगा, ये पी तो बाहर ही रख के 2a प्लस में इस डी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पी डी माइनस में डी कर सकता हूं ऐसे, यस। और ऐसे ही ये क्यों तो बाहर रख के और 2a ऐसे के ऐसे लिख के d के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, क्यू डी माइनस में डी, यस, ऐसे मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं, इज इक्वल टू चल रहा था ना, इज इक्वल टू, यस, इज इक्वल टू चल रहा था। अब मैं क्या करूंगा, p को अंदर ले जाऊंगा, तो 2ap प्लस में p स्क्वायर डी माइनस में पी डी, और इधर भाई क्यू को अंदर ले जाऊंगा, 2aq प्लस में क्यू स्क्वायर डी माइनस में क्यू डी। सेम शक्ल वालों को एक साथ लिखता हूं, 2a इसके साथ भी, 2a इसके साथ भी एक साथ लिख लेता हूं, तो इधर ले आता हूं 2ap माइनस में 2aq और बाकी को एक तरफ लिख देता हूं, तो क्यू स्क्वायर डी के साथ शायद ये ठीक लगेगा, तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का पी स्क्वायर डी, और माइनस क्यू डी के साथ ये ठीक लगेगा, तो ये उधर जाएगा, तो प्लस का पी डी माइनस में क्यू डी। और यार ध्यान से देखो, यहां से 2a कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, p माइनस में क्यू, और यहां से d कॉमन लेने पे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंदर बचेगा, और उस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्यू माइनस में p इंटू में क्यू प्लस में p, ऐसे लिख सकता हूं। और इधर आप यार एक चीज नोट करो, d कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, p माइनस में क्यू। तो देखो ये p माइनस क्यू, और इसको मैं p माइनस क्यू बना दूं, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, भैया अपॉन में जाएगा, उसको भी उड़ा देगा, उसको भी, तो इसको p माइनस क्यू बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो 2a इंटू में p माइनस क्यू, 2a इंटू में p माइनस क्यू, यहां से यार मैं माइनस कॉमन उठा रहा हूं, तो माइनस डी इंटू में ये पी माइनस क्यू बन जाएगा, बिल्कुल पी माइनस क्यू इंटू में p प्लस क्यू लिखो या क्यू प्लस p लिखो, एक ही बात है, p प्लस क्यू लिख रहा हूं, और प्लस में d इंटू में p माइनस में क्यू। और अब यार ये अपॉन में उतरेगा, इसके अपॉन में भी उतरेगा, इसके भी, दोनों को उड़ा देगा, यस, तो यहां से क्या बचा 2a, और उधर माइनस d इंटू में p प्लस क्यू, और उधर क्या बचा, खाली d बचा, उधर क्या बचा, खाली d बचा, यस। अब देखो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, अब इसके सुनते, 2a मैंने निकाल लिया, ये क्या कहता है, sp प्लस क्यू क्या कहता है, sn के फॉर्मूले के हिसाब से, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू में 2a प्लस में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये कहता है यानी, यस। और इसके लिए मैंने 2a तो निकाल ही रखा है, ये निकाल रखा है, तो मैं 2a यहां पे ला दूं, यस, 2a मैं यहां पे रख देता हूं, तो एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई 2, और अब मैं यार ये 2a यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा 2a को और सुधार के लिख लेता हूं,
इस सारे में से मैं माइनस डी कॉमन निकाल दू, बिल्कुल, तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को माइनस डी कॉमन निकालने पे, इधर ये तो बन गया प्लस का पी प्लस क्यू और इधर ये बन गया माइनस का वन, ऐसा बनेगा या नहीं? यस। और मैं यहां पे 2a की जगह ये लिख दू, यस बिल्कुल लिख देता हूं, तो माइनस डी इंटू में पी प्लस क्यू माइनस वन, और बचा हुआ भी लिख लेता हूं पी प्लस में क्यू माइनस वन इंटू डी। यस। अब यार एक चीज नोट करो, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यस, तो ये बना आपका जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, मतलब कि एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर है। एस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू टर्म्स का सम आपका जीरो आएगा। तो ये क्या यूज आया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसका यूज किसमें लिया, 2a निकालने में, और 2a हाथ आते ही मैंने इस फॉर्मूले में लगाया और यार ये कट पिट के जीरो बन गया, तो एस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू टर्म्स का सम आपका आ गया जीरो। तो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपीआर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट, ये आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो पहली पी टर्म्स का सम, पहली पी टर्म्स का सम कितना दे रखा है, ए, तो प्यारे बच्चों इसको मैं छाप सकता हूं एस पी इज इक्वल टू ए, यस, और पहली क्यू टर्म्स का सम कितना दे रखा है एपी का, बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं एस क्यू इज इक्वल टू बी, और पहली आर टर्म्स का जो सम है एपी का वो कितना दे रखा है सी, तो मैं क्या लिख सकता हूं एस आर इज इक्वल टू सी। मेरे पास ये कुछ चीजें गिवन है भाई और मेरे को ये प्रूव करके दिखाना है, तो बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। तो मैं क्या एपी की फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लूं, मान सकता हूं, और कॉमन डिफरेंस डी मान लूं, मान सकता हूं, ये फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इससे मेरे को यहां पे क्या क्या मिलने वाला है देखना। एसपी क्या होगा इनके अकॉर्डिंग, पी बाई टू, टू ए प्लस में पी माइनस वन इंटू डी, ये होगा एसपी और इज इक्वल टू क्या है ए, यस। और ऐसे ही यार एस क्यू क्या होगा, एस क्यू क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म ए है एपी की और कॉमन डिफरेंस डी है, तो क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, टू ए प्लस में क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या चल रहा है बी, मैंने एस क्यू की जगह ये लिख लिया, इज इक्वल टू बी तो लिखना है साथ में, यस yes। और यार एस आर क्या होगा, एस आर क्या होगा, आर बाई टू, आर बाई टू, टू ए प्लस में आर माइनस वन इंटू डी और इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है सी, यस, ऐसे मैं यहां पे लिख सकता हूं, इन चीजों से मैंने ये लिख लिया यहां पे, ठीक है, यस। मेरे को प्रूव ये करना है ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, और यार मैं यहां से देख पा रहे हो कि a बाई पी का जुगाड़ कर सकता हूं, a बाई पी का जुगाड़ कर सकता हूं, कैसे, p अगर अपॉन में चला जाए तो, यहां से b बाई क्यू का जुगाड़ कर सकता हूं, क्योंकि a बाई पी भी चाहिए इसमें, b बाई क्यू भी चाहिए, यहां से b बाई क्यू का जुगाड़ हो जाएगा अगर क्यू उसके अपॉन में चला गया, और यहां पर c बाई आर भी चाहिए तो यहां से c बाई आर का जुगाड़ भी हो जाएगा, तो यहां से मैं a बाई पी निकाल लेता हूं, a बाई पी, a बाई पी कितना होगा 1 बाई टू, 1 बाई टू इंटू में 2a प्लस में p माइनस वन इंटू डी, यही होगा यार। ऐसे ही, ऐसे यहां से मैं b बाई क्यू निकाल लेता हूं, b बाई क्यू, तो क्या होगा, क्या होगा 1 बाई टू इंटू 2a प्लस में क्यू माइनस वन इंटू डी, और यार c बाई आर भी निकाल लेता हूं, ये r अपॉन में जाएगा तो c बाई आर, और अपने को क्या मिल जाएगा इधर कौन रह गया 1 बाई टू और 2a प्लस में r माइनस वन इंटू डी। ये चीजें इसलिए निकालने कि मैं यूज कर सकूं जो चीज प्रूव करनी है उसमें, यस yes। तो मैं एक काम करता हूं भाई, सिंपल एक काम करूंगा, सिंपल एक काम करूंगा, सिंपल एक काम करूंगा, मैं इसको, इसको मान रहा हूं फर्स्ट, इसको मान रहा हूं सेकंड, और इसको मान रहा हूं थर्ड। फर्स्ट को मैं, फर्स्ट को मैं क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, और सेकंड को मैं बी आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, और थर्ड को मैं
क्या हो पी माइनस क्या उसे मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड और फिर कर दूंगा एड, तो एलएचएस तो बनेगा ही बनेगा, आरएचएस देखी जाएगी बनता है या नहीं, तो पहले एलएचएस बनाते हैं। इसको मैं एलएचएस में एलएचएस ऐड होते हैं आपको पता है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं क्यू माइनस आर से, तो क्या आ जाएगा ए बाई पी इंटू में क्यू माइनस आर, ठीक है दोनों साइड करूंगा मल्टीप्लाई, क्लियर। तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू को हम अंदर लेके जा सकते हैं, यस अंदर भी ले जा सकते हैं वन बाई टू को, हम वन बाई टू अंदर ले चलो, तो क्या बचा ए प्लस में पी माइनस वन इंटू डी बाई टू, और इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया क्यू माइनस आर से, भाई पहली को मैं क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दूसरी को मैं आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तीसरी को पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऐसा लाने के लिए। अब इसको किससे करना है आर माइनस पी से, तो बी बाई क्यू इंटू में आर माइनस पी, और मैं वन बाई टू अंदर ले जा रहा हूं इसमें भी, तो क्या बनेगा ए प्लस में क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू में आर माइनस पी, दोनों साइड तो होगा मल्टीप्लाई, यस, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं पी माइनस क्यू से, तो सी अपॉन में आर इंटू में पी माइनस क्यू, और भाई इसमें भी वन बाई टू अंदर लेके जा रहा हूं तो ए से ए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे ए प्लस में आर माइनस वन इंटू डी बाई टू और यार इंटू में पी माइनस में क्यू लिखना पड़ेगा। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अब इनको मैं क्या कर दूं, इसको 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 ऐड कर दूं, तो एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा और आरएचएस में आरएचएस ऐड होगा, तो मैं एलएचएस में एलएचएस ऐड कर रहा हूं, ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू में आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू में पी माइनस में क्यू एड हो गया, तो एलएचएस तो बन गया प्रूव जो करना था उसके लिए, एलएचएस तो बना दिया हमने, इसका एलएचएस तो बना दिया, आरएचएस को जीरो बना देंगे तो हो जाएगा प्रूव, यस। तो यहां पे मैं एलएचएस में एलएचएस ऐड कर चुका हूं सबका, आरएचएस में आरएचएस ऐड होगा, देखो कैसे करेंगे ऐड देखते जाइए भाई, इसमें 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 ये सब में सबके बीच में सम आ जाएगा, यस प्लस का साइन आ जाएगा, तो भाई मैं यहां पर कर रहा हूं एड इनको, तो क्यू माइनस आर की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं हर एक में ना, इसमें क्यू माइनस आर की, इसमें आर माइनस पी की और इसमें पी माइनस क्यू की, हर एक में इनकी बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसकी क्यू माइनस आर से करोगे तो ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू क्यू माइनस आर, यस प्लस प्लस। अब ये ऐड करते हैं भाई, ये तीनों ऐड करने थे, इसकी मैं आर माइनस पी के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं हर एक के साथ, ए इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू में आर माइनस पी, आर माइनस पी, अब प्लस प्लस ये भी तो प्लस करना है, तो इसकी पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, एक बार ये देख लेता हूं कुछ कटा तो नहीं है, नहीं अब तक सब सही चल रहा है, तो भाई a इंटू पी माइनस क्यू इंटू सॉरी a इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन, आर माइनस वन, आर माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू पी माइनस में क्यू, पी माइनस में क्यू, ठीक है यस yes। अब यार ये तो आई रखा है, इसको तो क्यों सॉल्व किया, आरएचएस को जीरो बनाना है, आरएचएस को जीरो बनाना है, तो कुछ भी नहीं भाई, मैं देखो इन सब में से a कॉमन ले रहा हूं, जहां जहां मेरे को a दिख रहा है वहां से a कॉमन ले रहा हूं, तो ये ए कॉमन लेने के बाद यहां से क्यू माइनस आर, यहां से प्लस आर माइनस पी और यहां से प्लस पी माइनस में क्यू, तो इन सब का हिसाब किताब हो चुका है, इसका 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 यस, और प्लस 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 इन सब में से डी बाई टू कॉमन ले रहा हूं भाई, निकाल ले डी बाई टू कॉमन, डी बाई टू कॉमन निकाल ले, तो क्या बचा डी बाई टू कॉमन निकालने के बाद ये दोनों चीज मल्टीप्लाई में बचेंगी, और मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं फिर, क्या पी क्यू माइनस में पी आर माइनस में क्यू और माइनस माइनस प्लस का आर, ठीक है यहां से भी डी बाई टू कॉमन निकाला है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्लस प्लस, है ना भाई प्लस में तो चल रहा है ये प्लस ये, देखो ये सब प्लस में तो है, तो डी बाई टू कॉमन निकालने के बाद मैंने इनकी तो मल्टीप्लाई कर ली, इनकी मल्टीप्लाई करके प्लस में लिख लेता हूं, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके प्लस में लिख लूंगा, डी बाई टू कॉमन निकाले रखा है, इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, क्यू आर, क्यू आर माइनस में क्यू पी, माइनस में क्यू पी, माइनस में आर, माइनस में आर, प्लस में पी, प्लस में पी, यस।
अब वहां से भी डी बाई टू कॉमन बाहर आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, प्लस में आर पी माइनस में आर क्यू माइनस में पी और प्लस में क्यू प्लस में क्यू। यस, और यार ये बनाना है जीरो और बन चुका, देखो देखो बन चुका, क्या उसे क्या वो कैंसिल आर से आर पी से पी, जीरो इंटू ए जीरो। यहां पे देखो पी क्या उसे पी क्या कैंसिल हो रहा होगा, पी क्या उसे पी क्या कैंसिल, क्या पी या पी क्या की बात है, पी आर से पी आर कैंसिल हो रहा होगा, माइनस पी आर से प्लस आर पी कैंसिल हो सकता है, माइनस क्या उसे प्लस क्या कैंसिल, और भाई आर से आर माइनस आर कैंसिल, क्या आर से माइनस आर क्या कैंसिल, और भाई पी से आपका पी कैंसिल, तो ये सब जीरो, जीरो इंटू पी बाई सॉरी जीरो इंटू डी बाई टू, जीरो इंटू डी बाई टू जीरो, तो ए इंटू जीरो जीरो प्लस डी बाई टू इंटू जीरो जीरो, तो जीरो आ चुका। इसका मतलब हम प्रूव कर चुके यहां पे ए बाई पी इंटू में क्यू माइनस आर प्लस में बी बाई क्यू इंटू में आर माइनस में पी प्लस में सी बाई आर इंटू पी माइनस में क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये हम लाके यहां पे लेके आ चुके, इसको इज इक्वल टू जीरो लिख लो, लास्ट में ये लिख रहा हूं इज इक्वल टू जीरो, है ना। यस, ये हम ला चुके, यही लाना था, यही लाना था, हम प्रूव कर चुके। आगे चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन था, बस मजदूरी थोड़ी सी ज्यादा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है यार। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर, सो दैट द रेशियो ऑफ एमथ एंड एनथ टर्म इज 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। इसमें दे क्या रखा है कि कोई एपी है उसमें m टर्म्स के सम का रेशियो किसके साथ, n टर्म्स के सम के साथ कितना दे रखा है, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, मतलब कि एस एम अपॉन में एस एन दे रखा है भाई, कितना m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, सीधी सीधी बात ये एपी, ठीक है, ये दे रखा है, क्लियर। और आपको यहां पे दिखाना क्या है कि सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज, mth टर्म मतलब am, nth टर्म मतलब an का रेशियो क्या दिखाना है, 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, ये दिखाना है, सिंपल है, बहुत आसान, देखना कैसे होता है, देखना। तो यार ap की फर्स्ट टर्म में मान रहा हूं a और कॉमन डिफरेंस मान रहा हूं d, बार बार यही मान रहा हूं, फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d, लिख लेना बकायदा इसको। तो sm को क्या लिख सकता हूं, m by 2 into 2a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकता हूं, अपॉन में sn को क्या लिख सकता हूं, n बाई 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं, और यार इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास, m इंटू 2 ए प्लस में m माइनस 1 इंटू डी अपॉन में n इंटू 2 ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन स्क्वेयर अपॉन में n स्क्वेयर। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि एक m से एक m कैंसिल, और यार एक n से एक n कैंसिल, तो फाइनल आपके पास क्या बचा, क्या बचा, 2 ए प्लस में m माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये बचा, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है, m बाई n, m बाई n। तो ये चीज गिवन है यार अपने पास, ये सब गिवन है, ये गिवन था, इसका यूज करके ही तो हम ये रेशियो दिखा पाएंगे, यस, इसी का ही तो यूज करके हम ये रेशियो दिखा पाएंगे mth और nth टर्म का। तो सिंपल देखो हम क्या करने वाले, सिंपल आप ध्यान से देखना, mth टर्म क्या होगी, mth टर्म क्या होगी ap की, mth टर्म क्या होगी, mth टर्म लिखता हूं, an लिखता हूं, क्या होगी a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म को क्या लिख सकता हूं, an a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं फाइंड क्या करना चाहता हूं, am अपॉन an, मतलब यार a प्लस में m माइनस 1 इंटू डी अपॉन में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी फाइंड करना चाहता हूं, और उसका रेशियो क्या दिखाना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं, मतलब इसका रेशियो, मतलब ये चीज शो करना चाहता हूं मैं, सीधी सीधी
2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन, ये चीज हम बनाना चाहते हैं, है ना? यस। और मैं इसको ऐसा बना दूं तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका, यस ये प्रूव हो चुका, यस ये शो हम कर चुके इसका मतलब, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसा दिखाना चाहता हूं, तो यार मैं यहां पे करने वाला हूं पुट m की जगह 2m माइनस वन और n की जगह 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, जिससे ये चीज ये बनने वाली है ना, ऐसा पुट करते ये बन जाएगा। ऐसा क्यों दिमाग में आया 2m माइनस वन पुट करें? देखो यार अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये तो a ठीक है, पर इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, वहां अपॉन में 2 नहीं है, और नीचे ये a ठीक है, पर जब इसमें से नीचे से भी 2 कॉमन लेऊंगा, ऊपर से भी 2 कॉमन लेऊंगा, तो नीचे 2 आ जाएगा, वो ठीक नहीं है। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, इसको ऐसा बनाने के लिए m की जगह 2m माइनस वन पुट करना पड़ेगा और n की जगह 2n माइनस वन, और फिर ये बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाएगा, है ना, और उधर की चीज भी वैसी बन जाएगी। क्लियर है बात? देखो अब तो देखो भाई, m की जगह 2m माइनस वन पुट कर दो, जहां जहां m है, 2a प्लस में 2m माइनस वन, और माइनस वन पहले से तो माइनस टू, अपॉन में, अपॉन में n की जगह 2n माइनस वन लगा रहा हूं, तो 2a प्लस में 2n माइनस वन, ये माइनस वन ये वाला, तो माइनस टू इज इक्वल टू m की जगह 2m माइनस वन अपॉन में n की जगह 2n माइनस वन। और अब यार एक काम कर दो, ऊपर से 2 कॉमन ले दो, नीचे से 2 कॉमन ले दो, ऊपर से 2 कॉमन ले होगे तो a प्लस में, इसके बाद है बेटा ये स्टेप, a प्लस में m माइनस वन बचेगा, और नीचे से 2 कॉमन ले होगे तो a प्लस में n माइनस वन बचेगा, और साथ में d भी तो चल रहा है, साथ में d भी छाप दो, साथ में d भी तो चल रहा है, इंटू में d इंटू में d, ठीक है, यस। 2 से 2 कैंसिल हो चुका, यहां से कॉमन लिया था, नीचे से भी कॉमन लिया था, दोनों कैंसिल हो चुके, और उधर क्या है आपका 2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन, ये इसको ऐसे कैसे रखना है। और अब आप ये देखो, ये देखो मैंने m की जगह 2m माइनस वन पुट करके, और यार n की जगह 2n माइनस वन पुट करके इस चीज को बिल्कुल ऐसा बना दिया। देखो ये चीज मैं पुट करके यही चीज तो लेके आया हूं सोल्व करते हुए, और ये चीज बिल्कुल ये है, ये चीज बिल्कुल ये है। इसका मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूं, ऊपर वाले को ए एम, नीचे वाले को क्या कह सकता हूं ए एन, ये ए एम ही तो है, देखो ए एम ही तो है यार, और नीचे ए एन ही तो है, देखो ए एन इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन। ये ही हमें शो करके दिखाना था प्यारे बच्चों, ये ही हमें शो करके दिखाना था। देखो तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहां पे दो चीज दे रखी है, एक तो n टर्म्स का सम दे रखा है एपी का, sn कितना दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस में 5n, और यार एक दे रखा है mth टर्म, mth टर्म एपी की, am इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 164, और आपसे पूछ रखा है कि m की वैल्यू बता दो, m की वैल्यू बता दो, m की वैल्यू बता दो। तो देखो यार इस am को मैं क्या लिख सकता हूं, am को क्या लिख सकता हूं, अगर ap की फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो इस am को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस में m माइनस वन इन टू डी इज इक्वल टू 164 तो रहेगा ही रहेगा। और अब मैं यहां पे यार, अब मैं यहां पे a और d का जुगाड़ कर दूं तो खाली m का राज रहेगा, और m का राज रहेगा तो किसकी वैल्यू आएगी, m की ही वैल्यू आएगी, m की तो वैल्यू आएगी। अब मैं a और d का जुगाड़ करता हूं, a क्या है फर्स्ट टर्म ap की और d क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये कहूं कि भाई फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल होते हैं, यस फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल होते हैं, आप कहोगे यस बिल्कुल होते हैं सर, ये फर्स्ट टर्म a और ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल होते हैं, क्लियर इक्वल होते हैं। तो यहां से आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा इस फॉर्मूले से, a इज इक्वल टू एस वन होता है, एस वन निकाल लो भाई, 3 इंटू वन का स्क्वायर 3 प्लस में 5 इंटू वन 5, तो a आ गया आपका 8, a 8 आ गया यहां लाके रख लूंगा,
और डी का जुगाड़ और कर लेता हूं, वो भी हालांकि रख लूंगा, एम का राज रहेगा, एम की वैल्यू आ जाएगी। अब डी लाने के लिए, डी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट टर्म, चलो मैं ए वन मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए ना, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ठीक लगे, ए वन, ठीक है, यहाँ भी ए वन ही मान लो, मैंने हर जगह ए वन कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां पे ए था मैंने वहां पे ए वन कर दिया, ठीक है, यस। अब डी लाने के लिए ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डी आपने पढ़ा है ए टू माइनस ए वन से पढ़ा है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आपने डी पढ़ा है, इसलिए मैंने ए वन किया। तो डी लाने के लिए ए टू माइनस में ए वन करना पड़ेगा, इसका मतलब सेकेंड टर्म की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड टर्म की जरूरत पड़ेगी, और सेकेंड टर्म मैं देखो कैसे लेके आता हूं, मैं ये कह सकता हूं भाई पहली और दूसरी टर्म का सम एस टू कहलाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल कहलाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए वन अपने पास है रख दो, ए वन अपने पास है रख दो, एट प्लस में ए टू रहेगा, और एस टू आप निकाल सकते हो यहां से, कैसे, टू का स्क्वायर फोर, फोर की थ्री से ट्वेल्व, प्लस टू की फाइव से टेन, और यहां से आप देख रहे होंगे कि ए टू का जुगाड़ हो चुका, बारह और दस बाईस, बाईस में से आपके आठ गए तो चौदह, तो ए टू का जुगाड़ देखा होगा आपने मैंने कैसे किया, ए टू आपके पास है और भाई ए वन आपके पास है, अब अच्छे से आप डी बता सकते हो, क्योंकि मैं डी लाने के लिए ये सारा काम कर रहा हूं, ए वन तो यहां भी चाहिए था, जरूरी था लाना, अब ए टू क्यों चाहिए भाई, क्योंकि ए टू माइनस ए वन करोगे तो डी चाहिए, डी आएगा, ए टू माइनस ए वन करने पर डी आएगा, तो इसलिए ए टू लेके आया मैं, तो डी क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, तो फोर्टीन माइनस में एट, तो डी कितना आ गया यार, सिक्स आ गया, अब बस कुछ भी नहीं, ए वन यहां रख लो अपना, डी यहां रख लो, एम की वैल्यू आसानी से आएगी, ए वन की जगह क्या रख लू, एट फर्स्ट टर्म है, प्लस में एम माइनस वन इंटू डी की जगह रख लेता हूं सिक्स इज इक्वल टू 164। तो प्यारे बच्चों एम माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू 164 माइनस एट 156, और भाई m माइनस वन इज इक्वल टू 156 अपॉन में 6, और ये आपका 6 दूनी 12 और 6 छिंग 36, ठीक है, m माइनस वन इज इक्वल टू 26, और यार m की वैल्यू माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 26 प्लस 1 27, m की वैल्यू कितनी आसानी से आ गई आपने देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, 8 एंड 26 के बीच 5 नंबर डालने हैं ताकि वो सीक्वेंस, रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें बन जाए, एपी में, तो आपका ये 8 हो गया, और अब मैं 5 नंबर लिखता हूं लगातार, A1, A2, A3, A4, A5, और अब लिख देता हूं 26, तो 8 एंड 26 के बीच 5 नंबर डालने हैं ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें मिले, हमें एपी में मिले, किसमें मिले, एपी में मिले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप ये ध्यान दो, यहां पे टोटल टर्म्स कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका A7 क्या है यहां पे, 26, A7 क्या है यार आपका 26, तो A7 को यार आप यू भी तो लिख सकते हो, ए प्लस में 6D बिल्कुल लिख सकते हो, इज इक्वल टू 26, 7 चलेगा, और यहां पे देखो यार फर्स्ट टर्म 8 है तो मैं यहां पे 8 लिख देता हूं, 8 प्लस में 6D इज इक्वल टू 26, एक ही जगह मैं लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म ही तो है, तो 8 लिख दो, यस, और यहां से 6D इज इक्वल टू 26 माइनस 8, और यार 6D इज इक्वल टू 18, और यार D इज इक्वल टू 3, तो डी आपके पास 3 आ गया, अब आप ये सारे नंबर बता सकते हो बहुत बढ़िया से, कैसे कैसे, ये देखो ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ऐसे चल रहा है ये नंबर, तो ए प्लस डी क्या होगा आपका, ए प्लस डी क्या होगा, यही तो है ए प्लस डी, ए के बाद ए प्लस डी होता है आपका एपी में, पता हो ए प्लस डी, ए प्लस डी क्या होगा, 8 प्लस में 3 कितना आएगा, 11। अब a प्लस 2d क्या होगा भाई, ये निकालना आपको, a प्लस 2d तो है a2, a प्लस 2d ये आपका कैपिटल a1, ये आपका कैपिटल a2, a प्लस 2d मतलब a की जगह 8 प्लस में 2 इंटू डी,
टू इंटू डी, टू इंटू थ्री सिक्स, और एट और सिक्स होंगे आपके 14. अब आप अपना ए थ्री बता दो भाई, ए थ्री बता दो, कैपिटल ए थ्री, ये क्या होगा, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, ए की जगह ए, थ्री ए की जगह एट, और भाई डी की जगह थ्री लगाओ, थ्री थ्री जा नाइन, और ये आपका हो जाएगा 17. कितना हो जाएगा 17. अब भाई ए फोर बता दो, ए फोर बता दो, ए प्लस में फोर डी, ए प्लस में फोर डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए की जगह ए, एट प्लस में फोर इंटू थ्री 12, और ये आपका कितना हो गया 20. कितना हो गया 20. अब लास्ट और बता दो ए फाइव, पांच तो बताने थे, ए प्लस में 5d होगा यार, ए प्लस में 5d होगा, ए की जगह 8 प्लस में d की जगह 3 लगाओगे तो 5 3 जा आपका 15, 5 3 जा आपका 15, और ये आ जाएगा 23. तो वो पांच नंबर हमने यहां पे डाल दिए हैं, मैं डाल देता हूं इनके बीच में पांच नंबर, a1 की जगह तो क्या लिख दोगे 40, a1 की जगह 11, a2 की जगह भाई 14, A3 की जगह भाई 17, और A4 की जगह भाई 20, और फिर भाई 23. ये पांच नंबर हमें बताने थे, आपका आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन. और अब आप चेक कर लो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है, एक एपी मिल रही है आपको, क्या मिल रही है, एक एपी, यस. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज द एम बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. तो ये किसके बराबर है, ए एम बिटवीन ए एंड बी के बराबर है, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे भाई, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन में ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू. ए एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यही तो होता है ए प्लस बी बाई टू. अब मैं एक काम करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को n की वैल्यू चाहिए, तो इसी से मैं n की वैल्यू निकाल के देने वाला हूं. तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं. तो इधर तो आपका 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, और इधर आपका a प्लस b इंटू a प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1. थोड़ा और सोल्व करते हैं, 2 इंटू a की पावर n प्लस 2 इंटू b की पावर n इज इक्वल टू ए की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक एक की पावर वन की एक की पावर एन माइनस वन के साथ एक की पावर एन आ जाएगी भाई, प्लस में एक की बी की पावर एन माइनस वन के साथ ये हो जाएगी, और भाई प्लस में बी की इसके साथ करेंगे तो बी इंटू एक की पावर एन माइनस वन, और भाई बी की पावर एन माइनस वन के साथ बी की पावर एन आ जाएगी. अब कुछ भी नहीं, ए की पावर एन इधर लाओगे, बी की पावर एन इधर लेके आओगे, तो टू ए की पावर एन में से एक की पावर एन गया तो ए की पावर एन, और 2b की पावर n में से b की पावर n गया तो b की पावर n. उधर कौन कौन रह गया, एक तो a इंटू बी की पावर n माइनस वन, और एक b इंटू a की पावर n माइनस वन. अब बस मैं एक काम करूंगा, देखना, इधर a की पावर n रखूंगा और उधर से क्या उठा के लेके आऊंगा, b इंटू a की पावर n माइनस वन उठा के लेके आऊंगा, और इधर a की a इंटू b की पावर n माइनस वन रखूंगा और इधर से क्या उठा के ले गया, b की पावर n. कुछ भी नहीं किया भाई, a की पावर n इधर रखा, इसको इधर उठा लाया, इधर ये तो रखा ही, इसको उधर लेके चला गया, बस कुछ नहीं किया. अब यहां से मैं a की पावर n माइनस वन कॉमन ले सकता हूं, यस, a की पावर n माइनस वन कॉमन ले सकता हूं, यस. तो a की पावर n माइनस वन जब यहां से कॉमन लेगे तो यहां पर बचेगा a, यहां पर बचेगा माइनस का b. इधर मैं b की पावर n माइनस वन कॉमन ले सकता हूं, यस, तो यहां से बचेगा a और यहां से बचेगा माइनस बी. ए माइनस बी से a माइनस बी हुआ कैंसिल, तो यार a की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b की पावर n माइनस वन बचा. इसको अपॉन में उतार के लेके आ रहा हूं, a की पावर n माइनस वन अपॉन में b की पावर n माइनस वन हो जाएगा, उधर क्या रह गया 1, और यार इसको मैं लिख रहा हूं a अपॉन b की पावर n माइनस वन, और उधर मैं क्या लिख सकता हूं 1 की जगह a अपॉन b की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0, 0 की पावर 0 छोड़ के किसी की पावर 0 क्या होगी 1, तो a by b की पावर 0 भी 1 होगी. और अब कंपेयर करने पे n माइनस 1 कितना मिल रहा है 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. तो आपने देखा बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, n की वैल्यू 1 आपका आंसर होगा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन. कहता है कि बिटवीन 1 एंड 31
n numbers have been inserted in such a way that resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9, find the value of m. Find the value of m. तो हमें m की तो वैल्यू बतानी और कुछ चीजें यहां पे गिवन कर रखी है. कहता है कि 1 और 31, एक ये और 31 ये, ठीक है, 1 और 31 के बीच कितने नंबर्स डालिए, m नंबर्स डालिए, m नंबर्स डालिए और ये रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें होनी चाहिए, रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें होनी चाहिए, AP में होनी चाहिए, ठीक है. एंड द रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस 1th नंबर इज 5:9, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. तो मैं देखो आपको ये कहूं भाई, आपको ये कहूं कि ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये AP है, ठीक है, इसके बीच में हमने m नंबर्स डाल दिए, तो इसमें टोटल टर्म कितनी हुई, टोटल टर्म कितनी हुई, m प्लस 2 टर्म हुई या नहीं, m नंबर्स दो ये रहे तो m प्लस 2 टर्म्स हुई या नहीं, क्लियर. तो यहां पे आपकी m प्लस 2th टर्म क्या होगी यार, 31 होगी. यस, m प्लस 2th टर्म क्या होगी, 31 होगी, ठीक है. और यहां से मैं a m प्लस 2 का फॉर्मूला लगा सकता हूं, फर्स्ट टर्म 1 है प्लस में m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31. डी मेरे पास है नहीं. तो ए एम प्लस 2 का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस एम प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. फर्स्ट टर्म थी मेरे पास 1, लिख दिया, d मेरे पास है नहीं तो d मैंने d रहने दिया, क्लियर. और यहां से आप यार देखो कि 1 उधर जाएगा तो 30 बनेगा, m प्लस 2 माइनस 1 आपका बन जाएगा m प्लस 1 इंटू डी, साथ रहेगा, 1 उधर जाएगा तो आपका बनेगा 30. और यार यहां से d की वैल्यू आ गई 30/m+1, ये कहीं ना कहीं अपने काम आएगी m की वैल्यू लाने में. यस, m की वैल्यू लानी है ना, तो कहीं ना कहीं ये काम आएगी जो चीज हमने निकाली है. यस, अब आगे क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर्स इज 5:9. तो यहां पे 7th नंबर कहा होगा, देखो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, और ये फिफ्थ नंबर, और ये सिक्स्थ नंबर, और ये भाई आपका 7th नंबर, ठीक है. और आगे चलता जा रहा है काम. तो यार कहते हैं 7th नंबर का और m माइनस 1th नंबर का रेशियो 5:9 होगा. तो हम 7th नंबर का तो कोई फॉर्मूला जानते नहीं, पर हम सेवंथ नंबर का तो फॉर्मूला जानते नहीं, हम एपी की टर्म्स का फॉर्मूला जरूर जानते हैं, एपी की टर्म्स का फॉर्मूला जरूर जानते हैं. तो यहां पे देखो एपी की टर्म्स कौन सी हुई है सेवंथ नंबर, ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, क्योंकि सिक्वेंस एपी में है ना, तो ये आपकी आठवीं टर्म होगी एपी की. मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि आठवीं टर्म का रेशियो किसके साथ, m टर्म के साथ, क्योंकि m माइनस वन नंबर आपका m टर्म कहलाएगा, क्योंकि सातवीं टर्म, अगर आप सातवां नंबर आपके आठवीं टर्म कहला रही है एपी की. देखो ये जो सेवंथ नंबर है ये आपकी एपी की आठवीं टर्म है, यहां से काउंट करना स्टार्ट कर दो. ऐसे m माइनस वनथ नंबर क्या होगा, एक भड़के होगा ना, इसी की तरह mth टर्म होगी. तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई आठवीं टर्म और m टर्म का रेशियो कितना है, 5:9, ये कह सकता हूं. इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरे को ये कुछ मिला, क्योंकि मैं इनके फॉर्मूले जानता हूं ना कि A7 के फॉर्मूले, टर्म के जरूर जानता हूं. ये टर्म कौन सी, आठवीं, काउंट कर लो. ऐसे m माइनस वन नंबर कौन सी टर्म होगी, m टर्म होगी, एक भड़के, जैसे ये सात था तो आठवां, तो इसमें एक भड़के m होगा. इनके फॉर्मूले जानता हूं इसलिए मैंने एपी की टर्म्स के रूप में लिख लिया A8 और AM. अब देखो A8 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 7D, और यार AM का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में M माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9. A आपके पास है, यस, लगा लो A की जगह A, D नहीं है, D आपने फाइंड किया, हाँ D भी है, D आपने फाइंड किया, वो भी लगा देंगे. A की जगह A लगाओ, 1 प्लस में 7 इंटू डी की जगह 30/m प्लस 1. ऐसे ही यार नीचे इसमें A की जगह 1 प्लस में m माइनस 1 इंटू डी की जगह 30/m+1, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 5/9.
अब यार यहां पे मैं ऊपर एम प्लस वन एलसीएम ले रहा हूं, ले सकता हूं एलसीएम, यस एम प्लस वन एलसीएम ले रहा हूं, तो कितना आएगा एम प्लस वन प्लस में सात की तीस से 210, ठीक है एम प्लस वन प्लस में 210। नीचे बी में एम प्लस वन एलसीएम ले रहा हूं, एम प्लस वन एलसीएम ले रहा हूं, तो यार यहां से भी एम प्लस में वन, एम प्लस में वन, और 30 के अंदर करोगे तो प्लस का 30m माइनस में 30, आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, ये चीजें आपको आती है एलसीएम एलसीएम और भाई मल्टीप्लाई करना, एम प्लस वन से एम प्लस वन उड़ा दो, यस। तो यहां पे आपका देखो कितना बना, यहां पे कितना बना भाई आपका, यहां पे कितना बना 210, तो ये रहे एक, ये रहा एम प्लस में 211, और नीचे भाई देखो नीचे 30m + m 31m, और यार माइनस का 30 प्लस का 1 माइनस का 29 5/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m आपके सामने होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9m प्लस में 9m प्लस में 9 और भाई ये आपका 18, ठीक है 1899, ठीक है इज इक्वल टू 5 की 31 से करोगे तो 5 और भाई 15m, ठीक है माइनस का 5 की 29 से कर लो, 29 से कर लो 5 की 5 निम 45 5 और 4 असल लगी, और ये भाई 10 और 4 14 145, ठीक है यस 145। अब भाई एक काम करते हैं, ये 9m उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 1899 प्लस में 145 और उधर 155m माइनस में 9m। तो प्यारे बच्चों यहां से 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है भाई 9 में से 5 गए, सॉरी जुड़ेंगे, घट नहीं रहे यार, जुड़ेंगे 9 और 5 14 4 असल 1 और ये फिर 14 4 असल 1 8 9 8 9 1 10 0 और ये 2 0 4 4 आ गया, और इधर आपका 140m, बस कुछ भी नहीं यार, m इज इक्वल टू 2 0 4 4 अपॉन में 140 कर दो भाई डिवाइड, m आ जाएगा 2 0 4 4 140 से करो भाग इसको, एक पे जाएगा 1 4 6, 14 में से 6 गए तो आपके आए भाई 8, ठीक है 8 आए, और भाई 9 में से 4 गए तो आए 5, 5 8 आ गया और 4 आप नोट कर लो, ठीक है। अब इसमें एक इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से 4 छिंग 24, 2 4 चौक 16, 17 1 18, 1 4 और 1 5, यस ये 4 से पूरा जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, तो यहां पे ये 14 पे कट गया बेटा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 14, m की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो बिल्कुल आसान है, बस देखो इसमें मजदूरी थोड़ी ज्यादा जरूर है, मेहनत जरूर है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह काफी काम करना है, पर कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन करते हैं गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, यस बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अब अपना। इसमें क्या कह रहे हैं, ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ RS 100 If he increases the installment by RS 5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? कोई आदमी है यार, वो अपनी installment देता है, तो उसमें पहली installment देता है वो कितनी 100 पहली installment देता है, और उसके बाद जो उसकी installment जाती है वो ₹5 बढ़ के जाती है हर मंथ, ठीक है ₹5 हर मंथ बढ़ के जाती है, तो दूसरी क्या होगी 105, तीसरी क्या होगी 110, ऐसे चलती चली जाएंगी उसकी इंस्टॉलमेंट। तो ये कहता है व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, कि वो 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा, कितना अमाउंट पे करेगा, 30वीं इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं ना कि 30 का सम, S30 की बात नहीं है यार, यहां पे A30 की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आसान है, 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा वो, A30 की बात करें ना कि S30 की, तो A30 का फॉर्मूला आपको पता है यार, A प्लस में
29 डी लिख सकते हो, 30 माइनस 1 इनटू डी करके 29 डी आ जाएगा। ए आपके पास है, ए आपके पास है कितना, 100 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए 100 प्लस में 29 इंटू डी, डी कितना आएगा 105 में से 100 घटा दो भाई 5 आएगा, और यार ये आपका 100 प्लस में ये 145 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और ये टोटल बनाया 245, ठीक है यस। तो वो कितने रुपए देगा 30वें इंस्टॉलमेंट में पे करेगा 245। तो कितना आसान क्वेश्चन था, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान। अगले क्वेश्चन पे चलते, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगोन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगोन। यार ये कह रहा है कि यहां पे कोई पॉलीगोन है, उसके अंदर के जो एंगल है इंटीरियर एंगल्स कंजुगेटिव लगातार एंगल, इंटीरियर एंगल लगातार जो एंगल है उनके बीच का डिफरेंस क्या है 5 डिग्री है, और स्मॉलेस्ट एंगल उसका 120 डिग्री है, तो उसकी साइड बता दो। तो भाई पहला स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री है, उससे अगला एंगल क्या होगा, लगातार एंगल का डिफरेंस 5 डिग्री दे रहे, तो यहां पे 120 डिग्री के बाद पक्का क्या आएगा 125 डिग्री, और फिर भाई 130 डिग्री आएगा, है ना, ऐसे काम चलता चला जाएगा। तो ऐसे कहते वो कह रहा है कि भाई हमें तो बता दो कि उस पॉलीगोन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपके सामने एक रूल भी छाप रखा है, इस रूल का भी यूज करूंगा, सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, आप सुनते जाइए बस। तो देखो यार यहां पे सिर्फ वो एंगल देख के साइड की बात कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमें एंगल पे काम करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों कहां पे काम करना पड़ेगा, यहां पे एंगल। अगर मैं ये कहूं आप लोगों को समझना, यार समझना, आप एक ट्रायंगल है, इसके पास कितने एंगल है, आप कहोगे सर 3, साइड कितनी है 3, यस। क्वाड्रिलेटरल के पास कितने एंगल है 4, साइड भी कितनी है 4। ऐसे पेंटागोन के पास कितने एंगल है 5, साइड भी कितनी है 5। मतलब कि अगर मैं यहां पे एंगल बता दूं इतने हैं, एंगल बता दूं गिन के इतने हैं, तो साइड भी उतनी होंगी, साइड का भी पता चल जाएगा, नंबर ऑफ साइड का भी पता चल जाएगा ना पॉलीगोन का, यस क्लियर। तो एंगल पे हम काम करते हैं, एंगल निकाल देंगे इतने हैं तो साइड भी पता चल जाएगी भाई, बिल्कुल जी। अब देखो ये रूल आपने पढ़ा हुआ भी होगा, पहले 9th में हम करते थे इसको। कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए पॉलीगोन विद एन साइड इज 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2। ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी पॉलीगोन के इंटीरियर एंगल का सम बता देता है। जैसे मैं ट्रायंगल का पता करना चाहूं तो ट्रायंगल के पास कितनी साइड होती है 3, तो जब एन की जगह 3 रखोगे, 3 में से 2 गया तो 1, 1 की 180 डिग्री से करोगे, 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम आ गया। अब यार मैं मान लो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम पता करना चाहूं इस फॉर्मूले से, एन साइड्स की बात करें तो 4 साइड होती है क्वाड्रिलेटरल में, 4 में से 2 गया तो 2, 180 डिग्री की 2 से करोगे 360 डिग्री, मतलब हर पॉलीगोन की इंटीरियर एंगल्स का सम बता देगा ये आपको, यस ठीक है, ये बता देगा, इसका यूज करूंगा मैं। और ये एक एपी है, आप कहोगे सर बिल्कुल एक एपी है, ये तो एपी है, एपी है, और मैं इस एपी पे अगर मैं SN लगा दूं, SN फॉर्मूला, तो इससे भी मेरे को किसका सम पता चल जाएगा, इंटीरियर एंगल्स के सम, इंटीरियर एंगल्स का सम पता चल जाएगा पॉलीगोन का, क्योंकि एपी है तो चल जाएगा SN से पता, यस। तो कहीं ना कहीं ये चीज और ये चीज इक्वल हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी, तो मैं SN को किसके बराबर कह सकता हूं 180 डिग्री एन माइनस 2 के बराबर, क्योंकि यार ये रूल भी, ये फॉर्मूला भी इंटीरियर एंगल्स का सम बताता है पॉलीगोन का, और यहां पे ये एक एपी है, और एपी जब अपने पास एंगल किसमें, एपी के अंदर, तो मैं यहां से SN का फॉर्मूला लगा के भी इंटीरियर एंगल का सम पता कर सकता हूं, यस। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती है अपनी, बिल्कुल हो जाती है प्यारे बच्चों, और यहां से एन का जुगाड़ होगा बढ़िया से। अब देखना SN की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन बाई 2a फर्स्ट टर्म 120 डिग्री, तो 2a 2 इंटू ए करोगे तो 240 डिग्री आ जाएगा, मैं 240 लिखता हूं खाली, ठीक है डिग्री नहीं लिखेंगे हम, खाली वैसे लिखते चलेंगे 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना यार 5 डिग्री है तो मैं 5 लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 180 इंटू एन माइनस में 2, यहां भी डिग्री हटा देता हूं, करने लग जाते हैं इसको सॉल्व।
तो भाई मैं 2 की उधर मल्टीप्लाई करूंगा, n के अंदर करता हूं, पहले 2 की उधर कर लेते हैं, तो n इंटू में 240 प्लस में इस 5 की तो अंदर कर ही लेता हूं, 5n माइनस में 5, और भाई 2 की उधर करोगे तो आपका आ जाएगा 360 इंटू में n माइनस में 2। और थोड़ा सोल्व करते हैं तो 240n भाई प्लस में 5n स्क्वायर और भाई माइनस का 5n इज इक्वल टू 360n और भाई माइनस का 720। और सोल्व करते हैं भाई 5n स्क्वायर, तो देखो 240 में से 5 गए तो 235, और वो 360 भी तो इधर चल के आएगा, तो 360 में से 235 घटा दो, 10 में से 5 5, 5 में से 3 2, ठीक है, और 3 में से 2 1, 125 यहां पे आ जाएगा ना। देख लेते फिर से एक बार, 240 में से 5 गए तो 235, 360 इधर आएगा, फिर घटाना पड़ेगा, 310 में से 5 5, और भाई ये बच गए 5 में से 3 2 और 3 में से 2 एक, 125 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस का 125 आएगा, माइनस का 125, सोल्व करके देख लेना अच्छे से, माइनस 125 एन, ठीक है, यस। और भी तो यार रह रहा है उधर 720 है, उसको भी धर ले आओ, प्लस का 720 इज इक्वल टू उधर कौन रह गया, जीरो। अब भाई ये सारे के सारे पांच से कट रहे, देख लो सारे के सारे पांच से कट रहे, तो ये तो आपका एन स्केयर है ना, पांच से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, ये तो एन स्केयर माइनस का 25n, माइनस का 25n, और भाई ये प्लस का 144, प्लस का 144 आ जाएगा, ठीक है, यस, इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर बना लो भाई n स्क्वायर माइनस में 25n, सॉरी 25 तो है यार, माइनस 25 के फैक्टर और 144 है, माइनस का 16n माइनस का 9n होंगे, प्लस में 144 इज इक्वल टू जीरो। एन कॉमन n माइनस में 16 और माइनस 9 कॉमन n माइनस में 16 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई, यस। तो यहां से n माइनस 16 कॉमन तो क्या बचेगा, n माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो, तो यार n की वैल्यू दो आ गई, एक तो 9 और एक 16, क्या दो दो एंगल हो सकते, एक तो n की वैल्यू 9 और एक एंगल यहां पे 16, क्या यहां पे 9 एंगल और 16 एंगल भी रख सकता है एक पॉलीगॉन, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, एक पॉलीगॉन 9 एंगल्स भी रखे और 16 एंगल्स भी, ऐसा थोड़ी ना होता है, इनमें से कहीं ना कहीं एक रख रहा होगा, और एंगल्स बता दिया मतलब ये एंगल है भाई 9 एंगल और 16 एंगल, एंगल बता दिया मतलब साइड भी बता दी, तो इनमें से एक होगा, कौन सा होगा वो जानते। मान लो देखो मैं एक बात करूंगा, पॉलीगॉन कोई भी हो उसके जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से छोटे होते हैं, नहीं आप कहोगे सर बिल्कुल 180 डिग्री से छोटे होते हैं, कोई भी इंटीरियर एंगल उठा लो, तो मैं यहां से चेक कर लेता हूं, मैं एक बार तो निकालता हूं A16 क्या बता देगा कि भाई कितने डिग्री का एंगल है ना, A16 से क्या पता चल जाएगा कितने डिग्री का एंगल, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे है नहीं, तो A16 क्या बता देगा कितने डिग्री का एंगल है, अगर 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल हुआ तो मतलब ये केस रिजेक्ट हो जाएगा, अपना यही बचेगा, क्लियर है ना, तो मैं A16 निकालता हूं पहले, तो A16 क्या होगा, A प्लस में 15D होगा, यस, A की जगह कितना रख दूं 120 प्लस में 15, D की जगह कितना रख लो भाई 5 है, अच्छे से पता है, तो 15 के 5 से 75, 120 प्लस में 75 195 आ गया भाई, 195 आ गया, क्या कोई इंटीरियर एंगल 195 होगा पॉलीगॉन का, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये N16 तो आंसर है नहीं, पक्का N9 है, और N9 को भी मैं चेक करके बता देता हूं, N=9 को भी मैं चेक करके बता देता हूं कि A आप 9 निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि 9वां एंगल कौन सा है ना, इससे पता चला कि 16वां एंगल, ये N16 मतलब 16 एंगल हो गए, तो 16वां एंगल निकाल लिया, A9 मतलब 9 एंगल है, यहां पे 9 एंगल है, तो मैं 9वां एंगल निकाल के देख रहा हूं, अगर 9वां एंगल 180 डिग्री से छोटा हुआ तो इसका मतलब कि अपना आंसर 9 होगा, 9 साइड्स होंगे, ठीक है, A9 देख लेते हैं, तो इसमें भी भाई फर्स्ट टर्म 120 डिग्री प्लस में 8 × d आएगा ना, उसी की तरह 8 × d, तो 8 × 5d5 है, तो 120 डिग्री प्लस में 5 के 8 से 40
और यहां से 160 तो A9 160 आ गया, ये बिल्कुल सही। नोवा एंगल 160 डिग्री मतलब 180 डिग्री से छोटा रह गया भाई, 180 डिग्री से छोटा रह गया। इसका मतलब यहां पे 9 एंगल्स है पॉलीगॉन के पास, कितने एंगल्स है 9 एंगल्स, 16 तो हो ही नहीं सकते, इसे पॉलीगॉन आपका बनेगा ही नहीं क्योंकि इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल कभी भी 195 नहीं होता, हमने 16 एंगल निकाल के देख लिया, तो ये वाला केस होगा, नहीं तो 9 एंगल्स है मतलब कि 9 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी भाई 9, आंसर 9 होगा, ये नहीं होगा, 9 आंसर मिलेगा आपको, 9 होगा। ठीक है, तो पूरी मेहनत से मैंने पूरी एक्सरसाइज अच्छे से करवा दी है, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू वेरी मच।